वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया, अमेजिंग प्रिया ब्लॉग चैनल से। और आज मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम का। और अभी शाम के बज रहे हैं 7:15 बज रहे हैं, 7:15। और मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। और डिनर में मैं क्या बना रही हूँ, क्या कुछ बना रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ पर मैंने चावल धो के रख दिया है बनने को। और यहाँ पर मैं बैंगन भूनने जा रही हूँ। जो बैगन मैं उस दिन लेके आई थी ना, तो वो बैगन अब 4-5 दिन हो गए, तो काफ़ी सूख गए हैं बैगन। बट इसी का मैं भून के भरता बनाने वाली हूँ बैगन का। और इधर बन रहा है मैंगो सेक ये बना रहे हैं। तो मैंगो छील छील के और इसका जो पल्प है ना, वो मिक्सर ग्राइंडर में डाल रहे हैं। और मैंगो सेक बनेगा इधर। और डिनर में हमारे मैंगो सेक आजकल बहुत ज़रूरी होता है, हम लोग ज़रूर पीते हैं डिनर में मैंगो सेक। और तो बैगन भूनना है, तो चलिए बैगन को मैंने अच्छे से धो के रख लिया है, तो चलिए भूनना शुरू करते हैं। आज मैंने दोबारा से ये वाली ड्रेस पहनी हुई है। और तो चलिए फिर बैगन भुनना स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं बैगन का भरता कैसे बनाती हूँ, और आप लोग भी मेरी रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, बैगन को मैंने कुछ इस तरीके से कट किया हुआ है ताकि अंदर कीड़े वगैरह ना हो। कई बैगन कीड़े वाले होते हैं, तो ये बैगन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कीड़े वगैरह नहीं है इसमें। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर गैस जला के, मैंने ये स्टैंड रखा हुआ है, इसके ऊपर बैगन को रख देते हैं। और इधर चावल भी हमारा बॉयल हो रहा है और बैगन भी भून रहे हैं साथ ही साथ। और इधर मैंगो सेक भी बन रहा है, टाइम लगेगा मैंगो सेक बनने में। सो गाइस, इधर हमारा बैगन भी भून रहा है एक साइड में चावल बन रहा है, एक साइड में बन रहा है मैंगो सेक। और टाइम हो रहे हैं 7:30। गाइस, आप लोग मेरी वीडियो पे ज़रूर थोड़ा प्यार दिखाइए, मेरे वीडियो को आगे ले जाइए, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि अच्छे खासे व्यूज़ आए और कुछ मैं अर्न कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में, और मेहनत ये होता है कि वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता तभी वीडियो बनाना ही पड़ता है। और अगर फ़ैन नहीं बंद करते हैं तो वॉइस क्लियर नहीं आती, तो इसीलिए फ़ैन बंद करना ज़रूरी होता है। अगर तो इतनी गर्मी में फ़ैन बंद करना बहुत ही मुश्किल की बातें हैं। तो यहाँ हमारा डिनर बन रहा है, तो चावल हमारा ऑलमोस्ट बन गया, बैगन भून रहा है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और इधर मैंगो सेक बन रहा है, इधर मैंगो खा भी रहे हैं। और इधर ये लेके आए थे समोसे, आते हैं समोसे, मतलब रोज ले आते हैं कुछ ना कुछ, जब भी ऑफिस से आते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो आज ये दो समोसे लेके आए, मुझे समोसे तो खाना नहीं है, और एक आयुष का है, एक इनका है। तो मैंगो सेक बनेगा, मैंगो सेक के साथ समोसे खाएंगे ये लोग। मैं सिर्फ मैंगो सेक पीऊँगी, खाना खाने से पहले आज हम लोग मैंगो सेक पियेंगे। सो गाइस, इधर मैंने बैगन को पलट दिया है, एक साइड का बैगन थोड़ा थोड़ा हो गया है, तो बैगन को मैंने इसी तरह पलट दिया है। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह से पलट पलट के इसको पकाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगते बैगन पकने में, बहुत ही कम टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो तब तक मैं रेडी कर लेती हूँ इसका, जो बैगन मैं फ्राई करूँगी पकने के बाद, तो इसकी चीज़ें मैं प्याज लहसुन हरी मिर्च और ये सब रेडी कर लेती हूँ। तो मैंगो सेक में मैंगो कट करके डाल दिया है, और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है दूध, और मिक्स करेंगे मिक्सर जूसर में इसको मिक्स करेंगे। शुगर भी देना, शुगर। मैं चीनी निकाल के दे देती, चीनी का डब्बा कहाँ है। हमारा किचन भी बहुत ही ज़्यादा मैसी सा हो रखा है। लो चीनी, और इधर ऐड कर रहे हैं शुगर। तो अब बन जाएगा हमारा मैंगो सेक। इधर बन रहा है हमारा, उसे बेचारा इधर पड़ा हुआ है, मुझे तो खाना नहीं है। फ्रिज में कितना बर्फ जमा हुआ है, तो ये बर्फ मैंने जमाया था मैंगो सेक के लिए, फ्रिज में कितना बर्फ जमा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, तो नहीं निकल रहा है। तो कितना बर्फ बर्फ पूरा भर गया है फ्रीज हमारा। तो फ्रीज को डिफ्रॉस्ट करना है एक दिन। और ये आइस हमने जमाया था, दिखाओ ये आइस हमने जमाया था मैंगो सेक के लिए, अब इसको
का हाल जान लेते हैं कैसा है बैंगन का हाल। तो बैंगन ऑलमोस्ट आधे पक गए हैं, आधे पकने बाकी हैं। इधर चावल का हाल देखती हूँ, तो चावल भी पक चुके हैं, चावल को मैं बंद कर देती हूँ। इधर राइस और मैंगो उसमें डाल दिया था, तो फ्रिज में मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इधर हमारा मैंगो शेक बन के रख गया है फ्रिज में, अभी पीते हैं तब आप लोगों को दिखाते हैं। हो गाइस, एक बैगन मेरा पक चुका है, तो इसको उठा के मैं रखती हूँ थाली में और बाकी इसको पका लेते हैं। सो गाइस, चार ग्लास हमने रखा हुआ है, एक जिया के लिए, एक आयुष के लिए, एक आयुष के पापा के लिए, एक मेरे लिए। तो निकाल रहे हैं ये, और आज हम डिनर से पहले ही मैंगो शेक पीने वाले हैं। वैसे हम डिनर के बाद पीते हैं, बट आज हम डिनर से पहले मैंगो शेक पीने वाले हैं। तो इसमें अब डालो गरी का बुरादा, बस इधर गरी का बुरादा डाल रहे हैं। क्या तो मैं मेरा मैंगो से अब पीती हूँ, और इधर बैगन पक रहे हैं, पी लेती हूँ। सो गाइस, मैं मेरा मैंगो से पीने जा रही हूँ। काफ़ी टेस्टी बना है गाइस। बैगन हमारा पक चुका है, अब फ्लेम को बंद करते हैं, नहीं रहने दे, और थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद इस बैगन को भी मैं इधर रख लेती हूँ, और इस बैगन को भी इधर रख लेती हूँ, और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद छीलते हैं, उसके बाद फ्राई करते हैं। एक तरफ मैं बनाऊँगी बैगन का भरता, एक तरफ बनाऊँगी मैं दाल। बहुत अच्छे से तो इनका छिलका मैं उतार रही हूँ, बिल्कुल ठंडा हो गया है। काफ़ी देर तक मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो बैगन हमारे खूब अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो इसको छिलका मैं उतार लेती हूँ। साथ ही साथ मैंने एक टमाटर भी भून लिया था। मैंने टमाटर भूनते हुए आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे फ़ोन से एडिटिंग चल रही थी, वीडियो एडिट हो रहा था, इसलिए मैंने टमाटो भूनते हुए नहीं दिखाया। और टमाटर को भी मैं इसी के साथ मैश कर लूँगी। तो बैगन को मैंने काफ़ी अच्छे से छील लिया है, अब इसको मैं मैश करती हूँ। सो गाइस, बैगन के भरते को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसी में साथ ही साथ मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, और टमाटर को भी मैंने अच्छे से इसी में मैश कर लिया है। गाइस, मैंने यहाँ पे प्याज और लहसुन और हरी मिर्च कट करके पहले से रखा हुआ है, टमाटो मैंने इसी भरते में ही ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड करूँगी, और इधर हमारी दाल भी बन गई है, इसमें तड़का लगाना है अभी, तो तड़का भी लगा लेते हैं साथ ही साथ। गैस, तेल हमारा गरम हो चुका है, तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन, और साथ ही साथ मैं दाल के लिए भी तड़का इसी में से निकालने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं लहसुन ऐड करूंगी, और आज भी मैं समझो बाल बाल ही बची हूँ। और खाना बनाते समय ना हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो हम सही में जल सकता है इंसान, है ना। उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करती हूँ, और मिर्ची मैं थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी, पहले मैं चला लेती हूँ सारी चीज़ों को। तो ये दाल के लिए भी है और भरते के लिए भी है, इसलिए तो दोनों चीज़ों के लिए हो जाएगा, दाल के लिए भी भरते के लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें डाली हुई हैं। गाइस, प्याज मिर्च और लहसुन अच्छे से ब्राउन हो गया है, और इसको मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ दाल में,
क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं दाल के लिए भी इसमें बना रही हूँ, इतना मैं दाल में ऐड करूँगी। ये हमारा दाल का तड़का हो गया, अब बाकी जो है ये बैगन का भरता इसमें ऐड कर देते हैं। मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मैगी मसाला। मैगी मसाला बैगन में बहुत ही टेस्टी होता है, तो और थोड़ा सा ये वाला मसाला चिकन मसाला, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फ्राई करते हैं। नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, तो थोड़ा सा इसको पका लेते हैं ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाए। गाइस अब देख लेते हैं भरता हमारा बन गया या नहीं, मसाला तो पक गया होगा, तो भरता हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो बहुत ही यम, बहुत ही टेस्टी भरता बन के रेडी हुआ है। दो मोटी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि बैगन के भरते के साथ या तो फिर लिट्टी बट्टी अच्छी लगती है या फिर मोटी रोटी, इसलिए मैं मोटी रोटी बना रही हूँ। दो ही बनाऊँगी मैं, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, जल गई रोटी। जली रोटी तो और अच्छा लगता है। हाँ जो बॉडी होता है बट्टी वो भी तो जली होती है, इसलिए भरते के साथ जली रोटी बहुत अच्छी है। तो ये रोटी मैं सेक रही हूँ, रोटी जल गई है। गाइज ये है आज का हमारा डिनर, बैगन का भरता, दाल, चावल और ये रोटी और ये सैलेड। आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर एक लाइक तो बनता है। अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड, अब मिलता है अच्छी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।